मैं सेलजन बायोटेक इंडिया ग्राम सिहोरा विदिशा से, हम आज आपको टिश्यू कल्चर लैब में कैसे प्लांट बनते हैं अमरूद के वो बताएंगे। इसमें हमारे पास मदर प्लांट में ये मदर प्लांट है, इस प्लांट का वेराइटी हमारे पास अमरूद का ललित वेराइटी का यह प्लांट है। इसमें हम एक्स प्लांट निकालेंगे। इसमें हम सेमी मैच्योर एक्स प्लांट लेंगे। सेमी मैच्योर एक्स प्लांट को कट करने के बाद हम इसको ना तो ये ज़्यादा ड्राई होना चाहिए और ना ज़्यादा जस्ट निकला हुआ ब्रांचेस होनी चाहिए। इस ऊपर वाली ब्रांचेस को कट कर देंगे और इसको हम आरओ वाटर में डिप करके रखेंगे और लैब में ले जाके इसे एक्स प्लांट को अलग अलग करेंगे। इसमें आरओ में डिप इसलिए रखा है कि इसके टिश्यू या सेल्स डैमेज नहीं हो। अभी हमने एक्स प्लांट सिलेक्शन किया है ललित अमरूद का। अब हम थाई अमरूद का एक्स प्लांट सिलेक्शन करेंगे जो कि इसमें भी सेमी मैच्योर लेते हैं। दोनों का सेम प्रोसेस होता है। जो एक्स प्लांट लेके आए थे हम इसके छोटे छोटे एक्स प्लांट करेंगे। पहले इनकी लीव्स कट करेंगे जिससे कि कंटामिनेशन एक्स प्लांट में कम आए। इसके लिए हमें अच्छे से क्लीन करना पड़ता है कि हमारा जो भी हम मीडिया में इसको इनॉकुलेट करें तब इसमें कंटामिनेशन नहीं आए। सेम इसका जैसे अपना ललित का प्रोसेस है सेम प्रोसेस थाई गोवा का है। थाई गोवा का भी सेम हम ऐसे ही लिप्स कट करेंगे और उसको रनिंग टैप वाटर में आधे घंटे के लिए रख दें जिससे कि अच्छी तरीके से धुल जाए। एक्सप्लांट सरफेस पे जो भी कंटामिनेशन हो वो आसानी से निकल जाए। हम अभी एक्सप्लांट ले रहे हैं, कट कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे एक्सप्लांट कट करेंगे। ये हमारे एक्सप्लांट हैं, हम इनको अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। एक्सप्लांट को अच्छे से कट करने के बाद रनिंग टैप वाटर में हम डाल देंगे। कंटिन्यू आधे घंटे तक रनिंग टैप वाटर में धुलते रहेंगे, उसके बाद हम इसको फंगीसाइड से क्लीन करेंगे। टेप वाटर से निकालने के बाद हमारे एक्स प्लांट को 20-20 से हम स्टिलाइज करते हैं। इससे इसके सरफेस में सारा जो भी डस्ट होता है वो निकल जाता है। उसके बाद हम फंगीसाइड यूज़ करेंगे। फंगीसाइड से इसके द्वारा जो हमारे मीडिया में फंगल नहीं आए इसलिए फंगीसाइड यूज़ करते हैं। अभी हमने दोनों एक्स प्लांट में फंगीसाइड डाल दिया है और इसको शेकर पे रखेंगे जिससे कि अच्छे से क्लीन हो जाए। शेकिंग आधे घंटे तक चलेगी। इस सेकिंग के द्वारा इसमें जो भी डस्ट या कंटामिनेशन है वो हो जाए। ये हमारा मीडिया पोस्ट आर्टिकुलर रूम है जहाँ मीडिया को सोलिडिफाई करते हैं। सोलिडिफाई होने के लिए इनको 24 आवर्स रखते हैं और 3 दिन बाद यूज करते हैं जिससे कि कंटामिनेशन हो तो पहले डिस्कार्ड करते हैं। और जो हमने एक्सप्लांट थाई गोवा और ललित के लिए थे वो इस पास बॉक्स से हम कलेक्ट करेंगे। इस पास बॉक्स का यूज इसलिए होता है कि कंटामिनेशन कम आए क्योंकि इसमें यूवी लाइट लगी होती है। हमारे एक्सप्लांट जो हमने लेके आए थे उनको इनॉक्युलेशन रूम में ले जाकर 3 नए केमिकल से ट्रीट करेंगे जिससे कि उसका सरफेस स्टिलाइजेशन क्लीन हो। हम जो सरफेस स्टिलाइजेशन क्लीन करेंगे उसमें हमारा सोडियम हाइपो HGCl और IPA सर्वप्रथम हम इनको पानी से वॉश करेंगे स्टिलाइज पानी से। उसके बाद इन तीनों केमिकल से बारी बारी से यूज करके ट्रीट करेंगे। और हम वेस्ट को निकालेंगे और पानी इसमें पानी से स्टिलाइज करेंगे। स्टिलाइज पानी लेंगे और उसको ट्रीट करेंगे। 3 बार ट्रीट होने के बाद फिर हम इसमें हाइपो से ट्रीट करेंगे। पहले हम पानी को इसलिए ट्रीट करते हैं कि वेस्ट जो भी लगा वो क्लीन हो जाए। ये फंगी साइड है जिससे पूरा फंगल निकल जाएगा। नेक्स्ट प्लांट को
हमारा थाई गोवा है, थाई गोवा है, पूर्व वाला ललित गोवा है। इस थाई गोवा के छोटे छोटे फिक्स प्लांट को कट कर रहे हैं अच्छे से कि वो कोई कंटामिनेशन है, थोड़ा नीचे से कट करेंगे और ऊपर से भी थोड़ा कट करेंगे। सरफेस क्लीन होने के बाद हम अब इनोकुलेशन करेंगे। हमने सरफेस क्लीन होने के लिए HGCl, NH2PO4 और IPA का यूज़ कर लिया है। अब हम इनोकुलेट करेंगे। इनोकुलेट करने के लिए हम स्पेशल, हमने अमरूद के लिए जो मीडिया लिया है, स्पेशल मीडिया है अमरूद के लिए, जिसमें कि अच्छी तरीके से एक्स प्लांट ग्रोथ कर पाए। ग्रोथ करने के लिए हम ग्रोथ रूम में रखेंगे। अभी हम इन एक्स प्लांट को ग्रोथ रूम में, इंक्यूबेटर रूम में रखेंगे 30 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में। अगर कंटामिनेशन आता है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और जो कंटामिनेशन फ्री होगा उसे ही आगे सब कल्चरिंग करेंगे। इनको वाइप करेंगे अच्छे से क्लीन, क्योंकि हम जो देखने जा रहे हैं 30 दिन हो गए, अब हमारे एक्स प्लांट को देखेंगे कि उनमें ग्रोथ कैसे आया। हम देखते हैं ललित ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा ग्रोथ आया है ललित गोवा में। और थाई में भी अच्छा आया है, बहुत सारे मल्टीपल शूट आए हैं जिससे कि बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। हम इनको आगे लेके चलेंगे और कुछ बोतल में कंटामिनेशन है जिसको कि हम डिस्कार्ड कर देंगे। कंटामिनेटेड हो गया है जिसको कि हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमारे एक्स्ट्रा है थाई गोवा और ललित के, एक मंथ ग्रोथ होने के बाद इनको फिर से मल्टीप्लाई करने के लिए अंदर ले जा रहे हैं, जिससे कि हम बहुत सारे प्लांट बना सकते। एक्स्ट्रा हमने एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको बार बार बाहर जाके लाने की जरूरत नहीं है, इसी से हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, इनसे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये हमारा थाई गोवा है, ये हमारा ललित गोवा है, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। इसमें हमारा रूटिंग वाला मीडिया अलग है और मल्टी वाला मीडिया अलग है। ये हमारा ललित है, ललित अमरूद, ये वाला थाई अमरूद है। अब हम आपको मल्टी और रूटी की प्रोसेस बता रहे हैं कि मल्टी मीडिया में कैसे डालते हैं, रूटी मीडिया में कैसे डालते हैं। बहुत कटिंग हो गई है अमरूद की, अब हम इसको मल्टी मीडिया में डाल रहे हैं। रूटिंग मीडिया में डाल रहे हैं, अब इसको वन मंथ के लिए हम ग्रोथ रूम में रख देंगे। अभी वन मंथ हो गया है, हमारा प्लांट ने अच्छी ग्रोथ किया है, सभी रूटेड आ गया है। ये हमारा थाई गोवा है जिसमें काफ़ी अच्छा रूट आ रहा है, सभी बोटल्स में रूट आ गया है। अब हम इसको प्राइमरी हार्डनिंग के लिए ले जाएंगे, यहाँ से निकाल के पास बॉक्स में रखेंगे, पास बॉक्स के द्वारा वहाँ ले जाएंगे। और हमारा ललित कल्चर इधर रखा है, ललित में भी पूरा रूटिंग आ गया है। और हमारा मल्टी कल्चर भी यहीं रखा है ललित का, वो भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, अच्छी ग्रोथ आ रही है। जो हमारे थाई गोवा और ललित के एक मंथ हो गए थे, जो रूटेड प्लांट हो गए थे, इनका अगार रिमूव करके प्लांट को निकालेंगे हम और प्राइमरी हार्डनिंग के लिए ले जाएंगे हम। सभी में अच्छे से रूट आ गई हैं, इसमें से हम अगार रिमूव करेंगे और इधर 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 इसको वेस्टिंग फंगी साइड में रखेंगे, क्योंकि जो फंगल होगा वो यहीं डिकंटामिनेट हो जाएगा।
फंगिसाइड से ट्रीट कर देंगे इसको और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इनको फंगिसाइड से निकालने के बाद चारकोल और IBA से ट्रीट करेंगे, जिससे कि उसकी रूट डेवलप अच्छा हो और प्राइमरी में अच्छे से ग्रोथ करे। हमने जो चारकोल से ट्रीट किए थे वो गोवा के प्लांट यहाँ पर हैं। ये थाई गोवा है और ये ललित गोवा है, दोनों टाइप के गोवा है हमारे पास। इसको हम लगाते हैं कोकोपीट में, लगा के रखते हैं 1 मंथ के लिए। ये हमारा ललित लगा हुआ है और ये थाई प्लांट लगे हुए हैं। अभी उधर थाई वाले लगा रहे हैं, इधर पूरा ललित लगा हुआ है। इसके बाद हम ट्रे को उठाने के बाद टर्नल में रखते हैं। टर्नल में हमारा गोवा प्लांट है, जो यहाँ 1 मंथ के लिए रहता है, जो रूट डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये इनमें रूट अच्छे से डेवलप हो गई है, प्लांट ग्रोथ करने लगा है। प्राइमरी हार्डनिंग से आने के बाद हम सेकेंडरी हार्डनिंग के लिए इनको मिट्टी में लगा देते हैं, जिससे कि अच्छे से डेवलप हो जाए। ये कोकोपीट से निकालने के बाद मिट्टी में लगाते हैं कि हार्डनिंग हो जाए, जो कि फार्मर जो भी लेके जाए वो अच्छे से ग्रोथ करे और अच्छा हार्डनिंग हो जाए। हमारी टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गांव में स्थित है। हमारे द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो उच्च कोटि के मदर प्लांट से एक्स प्लांट लेके तैयार किए जाते हैं, जो कि बीमारी रहित होते हैं। साथ ही में इनकी बढ़वार सामान्य पौधों की अपेक्षा काफी तेज होती है। हमारे द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनमें केले में जीना, ऑस्ट्रेलियन सागुन, नींबू वर्गीय पौधे, कागजी नींबू, सीडलेस नींबू, सीडलेस संतरा, ऑरेंज, अनार में भगवा, अमरूद में थाई, ललित, बांस में बालकोवे पौधे हैं। अभी वर्तमान में एडवांस ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर, टेलीफोन नंबर और ईमेल विवरण वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी हमारे द्वारा अनार की वंडरफुल वेराइटी स्ट्रॉबेरी, सीडलेस मौसम्बी और पोमेलो में भी कार्य किया जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।